भाई गुलाबी नगरी जयपुर में हम मौजूद हैं। मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और हमारे साथ हैं हुंडई एक्स्टर, नई नवीली एंट्री माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में। अब देखिए क्या है कि ये दो तरह के ट्रांसमिशन ऑप्शन में आ रही है, एक मैनुअल ट्रांसमिशन, एक AMT। अब मेरे पास मैनुअल है और सॉरी मेरे पास AMT है और मेरे मित्र बड़े भैया विक्रम गौर पाजी के पास है MT। पाजी क्या हाल चाल? बस बढ़िया पाजी। और आप हमारे साथ आए हैं तो कुछ वजह रही होगी? बिल्कुल, हम एक माइलेज चैलेंज करेंगे, देखेंगे कि MT ज़्यादा माइलेज देती है या AMT ज़्यादा माइलेज देती है। और दोनों की क्लेम माइलेज के बारे में बात करें तो MT क्लेम 19.4 KMPL है और AMT की 19.2 है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हल्का सा एडवांटेज है मेरे पास। क्या है? पॉइंट दुश्मनी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बताइए आपका स्ट्रेटेजी क्या है इस खेल के लिए? देखिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी राइवल्स के सामने कभी नहीं बताता, मैं कोई कच्चा खिलाड़ी हूँ इस गेम का। अच्छा, मैं बहुत पक्का खिलाड़ी हूँ। चलो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ। चलो ऑन दैट नोट पुट द मनी वेयर योर माउथ इज और देखते हैं कौन जीतता है। एक तो ये लोग इंग्लिश के अंदर मुहावरे कर देते हैं, मेरी समझ नहीं आता। ट्रिप मैंने जीरो कर दिया है और मुझे अपनी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज में पूरा यकीन है कि रेस मैं जीतूंगा। विक्रम पाजी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेटरन है, बहुत दुनिया भर की गाड़ी चलाई है, लेकिन हमने कोई कच्चे आम थोड़ी खाए हैं। हम जीतेंगे भाई, हाँ हम जीतेंगे, जीत के रहेंगे ताकि फेयर गेम हो। मैंने ट्रिप बिल्कुल जीरो सेट कर दिया है और मुझे लगता है मानव ने भी वही किया है और ज़्यादा भरोसा नहीं है बंदे पे। मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं तो चीटिंग करेगा क्योंकि उसको जीतने की सवार चढ़ी हुई है एंड मैं उसको रॉन्ग प्रूव करना चाहता हूँ। जीतूंगा तो मैं ही, मैनुअल मेरे पास है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है और इस पे मैं रिलाई करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं रेस माइलेज का। तो देखो यार अब ये चैलेंज तो चल रहा है विक्रम पाजी के साथ और पाजी सीनियर तो है, मानना तो पड़ेगा। देखो वो कई सालों से ऑटो जर्नलिस्ट रह रहे हैं, गाड़ियाँ उन्होंने अलग अलग तरह की चलाई और उनकी ड्राइविंग स्किल्स नो डाउट मुझसे बेहतर होंगी। लेकिन क्या है कि अपन भी हार मानने वाले तो है नहीं, 17 KMPL का वादा किया, मैं 17 KMPL निकाल के दिखाऊंगा उन्हें और किसी भी हालत में निकाल के दिखाऊंगा और AMT पर निकाल के दिखाऊंगा। वो हालांकि मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहे हैं, बेनिफिट तो है उनके पास, मैनुअल ट्रांसमिशन हमेशा ही अच्छा माइलेज देता है। लेकिन AMT भी क्या है यार, कंप्यूटर ही तो गियर चेंज कर रहा है बट ट्रांसमिशन तो वही है। बट वो ये ना कि जो कंप्यूटर के चेंज करने में और इंसान के चेंज करने में फ़र्क होता है कि गियर को ऐसे चेंज कर रहा है, इंसान एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कुछ डिसीजन जल्दी भी ले सकता है लेकिन कंप्यूटर एक सेट फॉर्मेट पर डिसीजन लेता है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि वहाँ पर मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट स्टिल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं 17 KMPL की माइलेज तो निकाल ही दूंगा। हम वहाँ से निकलेंगे, अभी हाईवे पर है, बस थोड़ी देर में होटल पहुँचेंगे और वहाँ जाके अपन लोग ये डेटा जो है चेक करेंगे एक दूसरे का। तो काफ़ी देर से हम चला रहे हैं, अब तकरीबन 20 किलोमीटर कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट और एवरेज तो निकल रही है गाड़ी की, काफ़ी ज़बरदस्त एवरेज निकल रही है गाड़ी की और मुझे लग रहा है कि ये चैलेंज मैं ही जीतूंगा। मानव जो है वो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं चीटिंग तो करेगा ही करेगा, बट अगर वो फेयर गेम खेल रहा है तो मुझे लग रहा है कि AMT का माइलेज MT से थोड़ा सा तो कम आएगा ही। और मेरा जो स्ट्रैटेजी यही है कि एक्सेलेरेटर ज़्यादा ज़ोर से मत दबाओ, सडन ब्रेकिंग मत करो, सडन पिकअप मत करो क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी छोटे छोटे गांव से हम निकले हैं और उस चक्कर में ब्रेकिंग स्लो मूविंग ट्रैफिक भी सामने आता है, ज़्यादा ब्रेकिंग भी हुआ है, बट आई ट्राई टू कीप इट वेरी स्मूथ और इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए मुझे लग रहा है कि ये चैलेंज मैं ही जीतूँगा। विक्रम भाई तो ले रहे हैं गाड़ी के मज़े, उनकी नहीं निकलने वाली माइलेज भाई, वो ओवरटेक मार रहे हैं, मतलब वो अलग ही फन ले रहे हैं गाड़ी को, वो लगता है चैलेंज भूल गए, उन्हें लग रहा है सिर्फ गाड़ी चलानी है, एक्सपीरियंस करनी है। पाजी विक्रम भाई कंपटीशन चल रहा है, मैं जीत जाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता एक ऐसे इतने सीनियर इंसान को मैं आ रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान रखो यार, ठीक से गाड़ी वाड़ी चलाओ, अच्छी माइलेज निकालनी है आपको। अच्छा, मानो को ये बात नहीं पता कि माइलेज जो चैलेंजेस हैं ये पहले मैन्युफैक्चरर्स करते थे और उनमें हमने काफ़ी भाग लिया है और एक बार हम फर्स्ट भी आए हैं, बट वो चैलेंज ऐसा था कि विंटर्स में हुआ
तो एसी ऑफ था और हमने बिल्कुल एसी चलाया नहीं, विंडोज वर पुट अप और एक्सेलरेटर को टच तक नहीं किया, बस चलते रहे, गियर में रोलिंग रखते रहे। और वैसे तो माइलेज तो बहुत ज़बरदस्त निकल सकता है, तब तो निकलता है करीब 26 ऐसे माइलेज फिगर्स आते हैं। ये थोड़ा रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, एसी मैंने बिल्कुल बंद नहीं किया। एमटी है माना है, लेकिन क्या होता है ना, आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में हार जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को हरा देता है। उनको लग रहा है कि एमटी 12-13 से ऊपर तो क्या ही देगी, ये उनकी सोच में बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं 17 निकाल के दिखाऊंगा यार। लेकिन भाजी आप हारोगे। अब मेरी ना बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैंने ना कुछ बहुत ज़्यादा ना इसके अंदर साइंस नहीं दौड़ाई है। मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है कि मुझे जो पेडल है ना वो बहुत ज़्यादा पंच नहीं करना है, और पंच तो कॉम्पिटिटर है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। मैं आराम आराम से पेडल प्रेस कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे पर क्रूज़ कर रहा हूँ गाड़ी को, ताकि एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजन के अंदर जाए और ज़्यादा एफिशिएंसी मैं इस गाड़ी से ले पाऊँ। जो मेरी कम माइलेज वहाँ पर थी गांव के अंदर विलेज एरिया में थी, उसको मैंने हाईवे पर आके कवर कर लिया है, और मैं गुड 70 की स्पीड में चल रहा हूँ यार। देखो यहाँ की स्पीड लिमिट 70 की, मैं 70 फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो मेरा तो वो चक्कर ही नहीं है कि मैं स्पीड लिमिट क्रॉस कर नहीं रहा हूँ, और मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। ये मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल है, मैं कोई तामझाम लगा ही नहीं रहा। अब विक्रम भाजी क्या स्ट्रैटेजी है ये पता करते हैं, चलो चलो। तो रेस फॉर माइलेज यहीं पर खत्म होती है, और इसके क्लियर विनर है मैं। ऐसे कैसे मैं? Hyundai Exter AMT, मैंने कितना वादा किया था? आपने किया था कि आप 17 के MPL ना? आप ये देखो, ये रहा मेरा डेटा। आपने कितना वादा किया था? मैंने किया था 15.2 in MT मैनुअल ट्रांसमिशन। आपका डेटा ये देख, 17.2 के MPL। अभी 18। लेकिन आप 18 आपने MT पे निकाला, मैंने 17.2 AMT पे निकाला। और भाई ने चीटिंग भी की है, क्योंकि अगर आप डेटा बिल्कुल गौर से देखोगे, फिर आप ये देखोगे कि मेरी गाड़ी चली है 30 से ऊपर, मेरी चली 25 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का तो फर्क है। 5 किलोमीटर का फर्क है, मैं इसको मार्जिन ऑफ एरर मानता हूं, मतलब इतना तो चलता है। ज्यादा चलने पे तब भी मैंने आपसे ज्यादा माइलेज खींचा है, बट आप ये कहते हैं एक्सपीरियंस। अब यार देखो, सीनियर हैं तो सीनियर तो है ही, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर फायदा आप ही का है। अगर आप AMT ले रहे हो फिर भी आपको 17 से ऊपर की माइलेज मिल रही है, अगर आप MT ले रहे हो तो 18 की माइलेज मिल रही है। बताओ, इस सेगमेंट में फ्यूल एफिशिएंसी बहुत मेजर रोल प्ले करती है ना भाजी? एब्सोल्युटली, सीरियस नोट। और हालांकि ड्राइविंग जो है हमने थोड़ा बहुत बचा बचा के चलाया है, बट वैसे चलाया कि ऑलमोस्ट नॉर्मल, करेक्ट, फॉलोइंग स्पीड लिमिट, कीपिंग एसी ऑन। आपने ऑफ किया? मैं ऑन किया पूरे टाइम एसी है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लग रहा था ये चीटिंग करेगा, बट ये बंदा अच्छा है, इसने चीटिंग नहीं की। इतनी कंजूसी भी नहीं करूंगा। बट जो आपने शुरुआत में बोला था कि आप गुप्ता हो और आपको बचाना आता है हर जगह, बचाया तो बहुत बहुत सही, बट फिर भी हारे। लेकिन सॉरी भाई, अपना वादा पूरा किया। 17.2 के MPL Hyundai Exter की रियल ड्राइविंग टेस्ट के दौरान माइलेज निकल कर आई है, और 18 के MPL MT मैनुअल ट्रांसमिशन में ये रियल रेंज टेस्ट हुआ है गाड़ी का, MID पे जो शुरू हुआ। आपको क्या लग रहा है, आप अब इस डेटा के बाद क्या खरीदोगे, AMT या MT, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और आपके हिसाब से क्या आप इससे ज़्यादा माइलेज निकाल सकते हो? अगर आप ये चैलेंज हमें करना चाहते हो, कमेंट करके बताओ भाई, आपके साथ ये चैलेंज हम लेंगे। फिलहाल के लिए अपन यहाँ से चलते हैं। हम लोग जयपुर में थे, पिंक सिटी में थे भाजी। बिल्कुल, कैसा रहा आपका पिंक सिटी का दौरा? जयपुर वॉज ग्रेट, बड़ा एंजॉय किया ये आलीशान होटल में, और पैसे भी नहीं देने पड़े, एक गाड़ी के साथ एंजॉय किया। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और हमें बहुत मज़ा आया ये वीडियो बनाने में, और आपको एक माइलेज चैलेंज दिखाने में। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम मानव है, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, अपने आसपास एक सुरक्षित ड्राइविंग एनवायरनमेंट बनाएं, और एक अच्छे मानव बने। जय हिंद। जय हिंद।